सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा सरफेस एनर्जी क्या चीज है। हमने देखा कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं किसी लिक्विड के लिए, है ना, ये प्रॉपर्टी केवल लिक्विड की प्रॉपर्टी है। अगर हम सरफेस के मॉलिक्यूल्स को देखें तो वो मॉलिक्यूल्स अनबैलेंस कंडीशन में रहते हैं, वो हमेशा अपने आप को लिक्विड के अंदर जाने ले जाने की कोशिश करते हैं, वो उस सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। और अगर हमको सरफेस एरिया को बढ़ाना है तो हमको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगी, हमको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। वो उस लिक्विड में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, सरफेस एनर्जी। आज हम बात करेंगे सरफेस टेंशन क्या चीज़ है, और सरफेस टेंशन मतलब कि जो फोर्स लिक्विड लगा रही है, जब कभी कोई थ्रेड या कोई दूसरा पार्टिकल या कोई सरफेस उसके कांटेक्ट में आती है, ठीक है, तो वो उस पर एक फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, और उसके कॉन्सेप्ट को आज हम देखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले एक लिक्विड सरफेस कंसिडर करते हैं, तो हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर सरफेस कंसिडर कर लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर सरफेस कंसिडर कर लिया, येलो कलर ले लिया हमने, रेक्टेंगुलर सरफेस हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, ये रेक्टेंगुलर सरफेस हमने कंसिडर कर लिया, ओके। और यहाँ पर इस एंड पर हमने कोई एक थ्रेड या एक लाइन पार्टिकल रखा हुआ, ऐसा लाइन जिसका लेंथ कितना है, एल है, इसका लेंथ कितना है, एल है, ठीक है, ये थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। और अगर तो ये लिक्विड का सरफेस एरिया है, अभी लिक्विड का सरफेस एरिया, तो लिक्विड ब्लू ब्लू ब्लू, तो हमने ब्लू बना दिया यहाँ पर, ये ब्लू कलर का लिक्विड का सरफेस एरिया है, ठीक है। अब अगर आपको इस सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तो लिक्विड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस टेंशन लगाएगा। लिक्विड क्या लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस टेंशन लगाएगा, एफ, ओके। तो इस सरफेस टेंशन को हम वैसे डिनोट करते हैं एस से, और जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लगा उसको हम कहेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। थोड़ा सा वापिस से एक बार हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हमको सरफेस एरिया बढ़ाना है, अगर सरफेस एरिया हमको इंक्रीज करना है, ठीक है, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगा, क्योंकि वो अपने एरिया को इंक्रीज नहीं होने देगा, अपने एरिया को इंक्रीज नहीं होने देगा, तो वो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, और वो हम मेजर करते हैं पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एस से डिनोट करेंगे या टी से भी आप डिनोट कर सकते हैं, यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, क्या होगा यूनिट, न्यूटन पर मीटर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट एक हमको आज समझना है, ठीक है। सरफेस टेंशन हमेशा मेजर करने के लिए हम पर यूनिट लेंथ मेजर करेंगे, सरफेस टेंशन ऑलवेज मेजर्ड पर यूनिट लेंथ, ओके, एंड यूनिट इज न्यूटन पर मीटर, है ना। जब कभी आपको सरफेस टेंशन के कारण फोर्स की बात करना है तो आपको लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हम डायरेक्शन देखें तो उस सरफेस टेंशन का डायरेक्शन, जो लाइन आपने कंसिडर किया है, जो भी दूसरे मटेरियल का जो सरफेस है उस पर जो लाइन कंसिडर किया है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जैसा यहाँ पर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, टू द लेंथ, ओके, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ लाइन, जो लाइन आपने कंसिडर किया है, जो भी सरफेस टेंशन के लिए इंटरफेस का जो लाइन है, है ना। अब इंटरफेस का क्या मतलब हुआ, अगर हमको सरफेस टेंशन को कंसिडर करना है, अगर सरफेस टेंशन को कंसिडर करना है तो वहां पर सरफेस के मॉलिक्यूल्स को देखेंगे और सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर सरफेस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो वहां पर उस लाइन का लेंथ और उसके परपेंडिकुलर हमेशा सरफेस सरफेस टेंशन होगा। दूसरा हमको कॉन्सेप्ट देखना है, द सरफेस टेंशन इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस, ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस, क्या होगा, ऑलवेज पैरेलल, पैरेलल टू द सरफेस,
ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस, तो सरफेस के हमेशा क्या होगा, वो पैरेलल होगा। ओके अच्छा, यहाँ पर हमने तीन कॉन्सेप्ट देखे सरफेस टेंशन से रिलेटेड, हमने तीन कॉन्सेप्ट देखे। सरफेस टेंशन हमेशा फोर्स पर यूनिट लेंथ हम मेजर करेंगे, सरफेस टेंशन हमेशा जो लाइन आपने कंसिडर की है उसके परपेंडिकुलर लगेगा, तीसरा कॉन्सेप्ट सरफेस टेंशन सरफेस के पैरेलल लगेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट कैसा है, सरफेस टेंशन सरफेस के पैरेलल लगेगा। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन से रिलेटेड और भी हम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो बुक में लिखे हुआ देख सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो हमने यहाँ पर देखा, क्या देखा, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, या फिर हम आगे देखेंगे सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो यू कैन डिफाइन द सरफेस टेंशन, ओके, इन टर्म्स ऑफ फोर्स यू कैन डिफाइन, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ओके, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ एनी लिक्विड यू हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द लिक्विड, ओके, एक्सटर्नल सोर्स, उसको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ सर्फेस एनर्जी इन टू दिस सिस्टम, और पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, दैट इज कॉल्ड सर्फेस टेंशन। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एक्टिंग इन अ प्लेन ऑफ इंटरफेस बिटवीन द प्लेन ऑफ लिक्विड एंड एनी अदर सब्सटेंस, उन दोनों प्लेन के बीच में लगेगा, जो इंटरफेस है, कोई सरफेस दूसरा और लिक्विड का सरफेस, उन दोनों को जो कॉन्टेक्ट इंटरफेस है उस सरफेस पर सरफेस टेंशन लगेगा। इट इज ऑल्सो द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट द मॉलिक्यूल एट द इंटरफेस हैव एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर, जो अंदर के मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है, बाहर के मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, अनबैलेंस कंडीशन पर है, तो वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल जो होंगे उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, उनके पास क्या होगी, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, दैट इज द सरफेस एनर्जी, उसको हम कहेंगे दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू राइट डाउन ऑल्सो। ओके नाउ, तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है, सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है, एट एनी पॉइंट ऑन द इंटरफेस बिसाइड द बाउंड्री वी कैन ड्रॉ अ लाइन और इमेजिन इक्वल एंड अपोजिट टेंशन फोर्स एस पर यूनिट लेंथ of the line acting perpendicular to the line in the plane of interface and the line is in equilibrium. Okay, तो यहाँ पर वही concept जो हमने बताए हैं वो लिखे हुए हैं और ये point हमने पूरे NCERT से लिए हुए हैं, तो आप clearly समझ सकते हैं कि NCERT में भी clear यहाँ पर वही concept लिखा हुआ है जो हम यहाँ पर आपको explain कर रहे हैं, ठीक है। तो तीन पॉइंट आपको याद रखना है सरफेस टेंशन से रिलेटेड। पहला पॉइंट आपको याद रखना है जो हमने देखा कि सरफेस टेंशन हमेशा पर यूनिट लेंथ हम मेजर करेंगे। दूसरा पॉइंट हम याद रखेंगे, सरफेस टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन द इंटरफेस बिटवीन टू सरफेस, ओके, जो बाउंड्री का इंटरफेस है वहां पर हम एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करेंगे, एंड दिस इमेज सरफेस टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सरफेस टेंशन, द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। ओके, तो यहाँ पर हमने सरफेस टेंशन के बारे में कॉन्सेप्ट देखा, पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर इसका होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सरफेस एनर्जी से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट देखेंगे और हम डिराइव करेंगे कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में क्या रिलेशन होते हैं। अगला लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।